26 गो उधर वोट है, 8 गो इधर है। मुखिया जी फोटो में एकदम सेक्सी लग रहे हैं। वो सब छोड़ो, आके बैठो, जरूरी बात करना है। 80 गो उधर है। मुखिया जी आपके लिए हम एगो शायरी लिखे हैं, सुना दे। ठीक है सुना दो। नो। न तीर से न तलवार से न गोलियों की बौछार से। क्या बात है क्या बात है। न तीर से न तलवार से न गोलियों की बौछार से, मुखिया डरता है कलिया के लार से। अच्छा नहीं लगा मुखिया जी, राते से यही लिख रहे थे। अच्छा छोड़िए, काम के बात कीजिए। एक सीक्रेट मिशन है, करेगा? नहीं, हम सिगरेट नहीं पीते हैं, पिलाना ही है तो मुखिया इनके हाथ के बना चाय पिला दीजिए। अरे बहिरा, सीक्रेट मिशन के लिए बोल रहे हैं, तुमको समझाना एकदम बेकार है। मुखिया इन बहिरा माधर चौथ के लिए एक कप चाय बना दीजिए। अजी बहिरा के कह दहूं, चाय में हम अपन वाला रसवा न डालबुआ। मुखिया इन पिछला बार सर्दी जोर से फाट गया था, यह बार हल्का चुहा दीजिएगा। प्रणाम मुखिया जी। अरे उधर दो चार गो लइकन है, खर्चा के लिए बोल रहा था, कुछ दे देते तो काम हो जाता। हाँ, खर्चा होगा ना, जितने दो जलसा पार्टी करवाएंगे। अरे ये तो सब बोल रहा है कि जीतने के बाद खर्चा होगा, आप अपना बताइए ना। अबे जाओ भोसड़ी के, रुपया आया नहीं कि भीख मंगा लोग पहुँच गया। ऐसा बात नहीं है, अभी हालत एकदम खराब है, पार्टी छोड़ो, नाच पार्टी करवाएंगे, जितने तो दो। जितला के बाद आपको याद रहेगा कि हम केकर बेटा है। गजब बात कर दिया, हमको पता नहीं है तू किसका बेटा है। मुखिया जी हमको रोजगारो चाहिए। तुरा रोजगार कौन दे तुरा बहन चोद, आज मुखिया के मांगी थी, कल मुखिया इनके मांग वही। अरे बहिरा भोसड़ी के ही रोजगार के लिए बोल रहा है। जितने दो तुमको हम मैनेजर बना देंगे। वाओ। मुखिया जी हमारे को छोटा भाई है, उसको असिस्टेंट मैनेजर बना देते हैं। हाँ ठीक है। अरे मुखिया माधर चो तू लड़धड़वा के फेर में पड़ल है, एगो लौड़ा वोट देते ना सब पोस्ट इनके चाहिए। यस। हमारे बारे में तुमको अभी नहीं पता है, आदमी भड़का के सब वोट कटवा देंगे। झाट कवारने से मुर्दा हौला नहीं होता है, अबे जा भोसड़ी के, जो करना होगा कर लेना। ठीक है मुखिया, तो बार लाट चाट के उजर करब। अरे भैया नाराज काहे होता है, इधर आओ इधर आओ, ये लो खर्चा लो। मुखिया जी की जय। और पता है ना कहाँ बटन दबाना है? बिल्कुल पता है। Oh my gosh. अरे बहिरा पॉलिटिक्स में सबका मन रखना पड़ता है, तुमको तो पते है हम और मुखिया इन तन मन धन से सबका सेवा किया है। मुखिया इन तन से सेवा नहीं किया है, नहीं तो चोद देते ससुरी को। कौन सी कहा? अरे नहीं मुखिया जी कुछ नहीं, मुखिया जी चाय में बहुत लेट हो रहा है बनने में। ऐ सनम तू जन्नत के नूर है, दुख बस इस बात का है कि तू लंड से दूर है। अरे बहिरा हद में रहो। यस। इलेक्शन नहीं होता तो बहिरा के आज हम गांड फाड़ते थे। राम 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 मुखिया जी, हम मुखिया इनको गांड मारने के लिए नहीं सोच रहे हैं। Oh my God. वैसे मुखिया जी मुखिया इनके हाइट कम है। हाँ मुखिया इनके हाइट थोड़ा छोटा है, तो मारते होंगे तो मुखिया जी ढोरी तक रह रहा जाता होगा। Oh my God. अरे बहिरा भोसड़ी के। प्रणाम मुखिया जी। हाँ प्रणाम 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 प्रणाम, आओ बैठो बैठो। अरे बहिरा तू यहाँ है, सुबह हमारे से खर्चा लिया है। अरे इधर से गुजर रहे थे तो सोचे कि मुखिया जी से मिल लेते हैं आपका। किस लिए बुलाया है मुखिया जी? तू फालतू में इलेक्शन में खड़ा हो गया है, तुमको हम 1,00,000 रुपया दे रहे हैं, बैठ जाओ। अरे है ये है माधव चोर, इसको कहे थे कि मुखिया जी से पंगा ना लो भोसड़ी के, अब 1,00,000 रुपया दे ही रहे हैं तो लेके बैठ जाओ। इस बार जनता हमारे साथ है, आपको बैठना है बैठिए। सड़क एकदम खराब हो गया है, कौन जनता गाली देता है। इस बार मुखिया बनेंगे ना तो इस सड़क को एयरपोर्ट जैसा चिकना बना देंगे। हवाई जहाज का लूँ उड़ाना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पप्पू पेलू, जहां मिले मुद्दा वहीं मैं ले लूं। आप देख रहे हैं खबरें धकाधक, जिसे आप सुनते हैं फटाफट, और देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल टकाटक। जी हम आज आ पहुंचे हैं गांव बुरबुर जिला छिनार के लौड़े समर्थक पार्टी के कौंडम छाप के मुखिया उम्मीदवार के पास। जी हां दोस्तों, आज जानेंगे मुखिया जी से कि क्या है चुनावी माहौल, क्या है इस चुनावी दंगल में उनके मुद्दे। तो चलिए मुखिया जी से हम बातें करते हैं। इसको कौन बुला दिया? इसको कौन बुलाएगा, ये सब बहन चुप सूंघ लेता है। हाँ तो मुखिया जी बताइए, आप
इस बार जो है सर चुनाव जो लड़ रहे हैं आप किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? अजी मुद्दा तो कुछ नहीं है, लेकिन राजनीति पर मेरा जान न्योछावर है। हमें रोक सके तो रोक ले, अगर किसी के गांड में पावर है। अगर हम बेवफा हैं तो हम भी साबित कर देंगे कि तुम्हें भी मुझसे प्यार नहीं है। हम बात नहीं विकास करते हैं, काहे कि हम लौड़े का सरकार नहीं है। अरे माधव जो तू कौन सी का फुटेज ले रहा है? अरे मुखिया जी बोल रहे हैं मुँह से तुम गांड में विकास ढूंढ रहे हो। इधर आओ भोसड़ी के, इधर आ जाओ। मुखिया जी के गांड के बारे में करेगा? हाँ तो सर बताइए इस बार मुद्दा क्या है? गांड में है गुद्दा जो पूछने चले हो मुद्दा? जाओ भी बाद में आना, मुखिया इस सड़क का निरीक्षण कर रहे हैं। सॉरी सर, जस्ट वन क्वेश्चन सर। सर आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता माधव चोद होता है जी। सॉरी जनता हमारे माँ बाप है और इस बार भी जीतने के बाद हम समाज सेवा ही करेंगे। जी हाँ सर, 5 साल में मुखिया माधव चोद इधर से क्या ले रहा है भोसड़ी के? इधर आप। जी हाँ सर, तो 5 साल में मुखिया के फंड में पंचायत के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए आते हैं। तो 5 करोड़ का जो है आपने खर्च किया, वो निवेश किया पंचायत की किन किन कार्यों में, क्या 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 काम किए हैं? ओह माय गॉड, भोसड़ी के लंड का रिकॉर्डिंग कर रहा है। अरे मुखिया जी इधर खड़े हैं, हम इधर खड़े हैं। मुखिया जी का लो, मुखिया जी कल मुर्दा कबा रहा है। yes. ऐसा करते हैं अभी हम थी वर्किंग आवर में हम। नहीं 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 मुखिया जी आप लाइव चल रहे हैं, जनता आपको देख। अरे भोसड़ी के कहाँ चल गया इतना दूर में? अरे मुखिया जी हम मसौड़ी, तुम चल गया नौबतपुर में। जल्दी जा। देखिए मुखिया जी आप लाइव हैं, आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। आप बताइए बताइए, जनता जवाब चाहती है, आप बताइए सर। पड़ेगा ना फिर हमें, अब हो जाइए फेमस। काम किया नहीं है, नली बना दिया पूरे गांव का, गली बना दिया इस सर सड़क में लगे हुए। तो नली गली सड़क में आप 5 करोड़ रुपया चाप दिए, सब के घर तोर माए के फंड से बन गया। बंद कर कैमरा। अगर मुखिया जी के कुछ बाल हुआ तो कैमरामैन के हम घान में छाता घुसेर देंगे। नहीं देखिए मुखिया जी आप नहीं, मुखिया जी एक बात बताइए, लाइव है आप, जनता आपको देख रही है। घर बनवाने के लिए, घर का पास करवाने के लिए आप 30,000 रुपया हर आदमी से लिए हैं, तो 30,000 रुपया क्यों लिए हैं मुखिया जी बताइए आप? यस हवेली पे वहीं पे कॉफी पी के किया जाएगा। नहीं नहीं क्या है हवेली पे कॉफी पर क्या है मुखिया जी आप बताइए? कॉफी पी के नहीं कॉफी। आप 30,000 रुपया क्यों लिए? आपको अपने बेटी का ब्याह करना था, घर वाली के पथरी का ऑपरेशन था, क्यों लिए 30,000 रुपया बताइए? गरीब जनता से 30,000 हो जाइए फेमस, हम बोले थे कि चलिए। देखिए मुखिया जी आप बिना जवाब दिए हुए नहीं जा सकते हैं, पूरा इंडिया आपको देख रहा है। इंडिया लवा लाग देखेगा, हमको कौन बता दिया कि मुखिया जी इधर हैं? देखिए रास्ते में एक आदमी जो है पी करके पड़ा हुआ था, वो हमको बताया कि मुखिया माधव चोद भोरे भोरे मॉर्निंग वॉक पर निकला है, तो आप जाइए। अच्छा पियकवा। अरे पियकवा उसकी बहन के डकैत चोद मिल जाएगा, मुसीबत है। नहीं नहीं मुखिया जी आप गाली गलौज नहीं कर सकते, आप लाइव हैं, आप अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं। शब्दों में तुमको अश्लीलता नजर आ रहा है, रात के बीएफ देके सो जाता है वहाँ पे, तुमको नहीं दिखता अश्लीलता? चेंज द टॉपिक, टॉपिक चेंज, टॉपिक चेंज नहीं होगा मुखिया जी बोलिए। अभी अगर हम रंडी के नाच करवा देंगे तो सब माधव चोद अपने अपने औरत के छोड़ के आ जाएगा देखने, और मौका मिलेगा तो धर पकड़ भी कर लेगा। अबे तू भागो ना रे भोसड़ी के यहाँ से। देखिए मुखिया जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब मुद्दे पे आते हैं। आप ये बात बताइए कि विपक्ष आपको दोगला कहता है, क्या बताइए मुखिया जी आप दोगला है? मुखिया जी आपको दोगला लगते हैं? अरे मुखिया जी माधव चोद हो सकते हैं, रंडी वाले हो सकते हैं, भोसड़ी वाले हो सकते हैं, लेकिन मुखिया जी दोगला नहीं हो सकते हैं। क्या मुखिया जी आप दोगला हैं? अरे माधव चोद सब निकल जा पतले गए से, पिटवा दिया बहन के चोदो। देखिए आपको मीडिया के पावर के बारे में पता नहीं है? हमको पता है मीडिया का पावर, मर्डर को सुसाइड और रेप को तुम लोग पॉलिटिकल मुद्दा बना देते हो, जबकि लड़की के इंसाफ के बारे में तुम लोग को जिक्र करना चाहिए था। जरा सोचो यही अगर तुम लोग के परिवार के साथ होगा तो कैसा लगेगा? yes. जबकि तुम लोग यही दिखाने में बिजी रहता है कि फलना नेता आया, चिलना नेता आया, वोट लेने के लिए आया है, लड़ा लेने के लिए आया है। मुखिया जी ये चलते हम न्यूज देखना छोड़ दिए हैं, एक ही चीज को बार 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 लगता है कि रिले फंस गया। फलनवाई क्या, चिलनवाई क्या, रिया मैडम ने आज खाने में दाल रोटी और सब्जी खाया। अरे तेरा भोसड़ी के, तुमको पता है कि देश में लाखों लोग भूखे सोता है, लॉकडाउन में कितना प्रॉब्लम हुआ है आम आदमी का? yes. तुमको कुछ नहीं पता है, जबकि तुमको ये सब दिखाना चाहिए था कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ सुधार होना चाहिए, लेकिन नहीं। अरे मीडिया में इतना पावर है कि पूरे देश को हिला के रख सकता है, पावर का सही इस्तेमाल करो। रे चलो रे, इस मुखिया को हम बंदर समझ रहे थे, झाट के बराबर नहीं बूझ रहे थे, लेकिन ये मुखिया बहुत ही समझदार निकला और इसने बहुत बड़ी बात कह दी। तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल टकाटक चुनावी दंगल में, आप देखते रहिए। कैमरामैन ललन लंड के साथ मैं पप्पू पेलू, हमारे साथ बने रहिए।
हेलो, क्या रिया मैडम घर से बाहर निकली है? अरे भोसड़ी के रिया मैडम को गांड में घुसेड़ लो। Thank you.